नमस्कार, मध्य प्रदेश के सभी भविष्य के शिक्षक गणों वर्ग एक और वर्ग दो के सभी के लिए बड़ी खुशखबरी में लेकर आया हूँ इस वीडियो के माध्यम से। जिन लोगों के नंबर कम आए हैं, शायद तक उनको लोगों ऐसा लग रहा है या प्रतीत हो रहा है कि मेरी कोई उम्मीद नहीं है, लगातार कट ऑफ की वीडियो देख के ग्रसित होकर परेशान हो चुके हैं, तो बिल्कुल परेशान ना हो। इस वीडियो को देखने के बाद आप बिल्कुल डिमोटिवेट ना होकर पॉजिटिव थिंकिंग लाएंगे और अपने जीवन में एक शिक्षक बनने का जो आपने सपना लिया है वो जरूर पूरा हो। तो वीडियो के साथ बने रहिए, मैं बड़ी खुशखबरी आपके लिए लेकर आया हूँ। शिक्षक भर्ती वर्ग तीन को लेकर पूरी प्रक्रिया हो चुकी है, जून में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। साथ ही साथ कितने पदों के लिए भर्ती होगी वो मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ। शिक्षा विभाग ने एक नया एक अपडेशन दिया हुआ है, मतलब एक जो है, जैसे कि आपको पता था कि पिछली बार जो वीडियो में आई हुई न्यूज आई हुई थी कुछ, तो उसमें 50% कन्फर्म हुआ था कि वैकेंसी आएंगी 10,000 पदों पर, लेकिन अब आपको 70 या 80% कन्फर्म हो जाएगा अगर वैकेंसी आएंगी और वो जून में आएगी। तो पूरी खबर देखिए, मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए तैयारियां पूरी। पूरी जानकारी देखेंगे, मध्य प्रदेश में वर्ग एक और वर्ग दो यानी उच्च माध्यमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के बाद अब वर्ग तीन यानी प्राथमिक शिक्षक के लिए स्कूलों में खाली पदों को भरने की दिशा में लंबे समय बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसके तहत विभाग ने प्रिपरेशन एग्जामिनेशन बोर्ड यानी पीईबी को लिखित परीक्षा करने के लिए पत्र भेज दिया है। इसके साथ ही प्रदेश भर में प्राथमिक स्कूलों में 10,000 जो है नए शिक्षक पदस्थ करने का रास्ता साफ हो गया है। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता खत्म होते ही पीईबी आवेदन पत्र आमंत्रित कर चयन प्रक्रिया शुरू कर देगा। हालांकि इस समय प्रदेश भर में प्राइमरी स्कूलों में 19,000 से अधिक पद खाली हुए हैं, लेकिन यहाँ पर बात की जाए तो लेकिन इसके बाद ही ठीक आधे यानी 10,000 पदों के लिए जो है भर्ती कराई की दिशा में कदम उठाए गए हैं। पद भले ही कम निकले लेकिन इस परीक्षा में उच्चतर और माध्यमिक शिक्षक परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थियों से दोगुना कंपटीशन होने वाला है। वर्ग एक और दो में वर्ग एक में 2 लाख थे और वर्ग दो में 4.5 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे और वर्ग तीन में 2011 और 12 में हुए परीक्षार्थियों में 8 लाख आवेदक बैठे थे। 2011 और 12 की बात कर रहे हैं। ऐसी छह साल लंबे अंतराल के बाद होने वाली प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती में परीक्षा में इस बार 10 लाख से अधिक आवेदकों के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो दोस्तों, मैं एक बिल्कुल डिमोटिवेशन के लिए बिल्कुल कुछ नहीं है, बस आपको मैं आगाह करना चाहता हूं कि यहां पर शिक्षक भर्ती चाहे कैसी भी हो, कितनी भी कॉम्पिटिशन हो, लेकिन यदि आपने अच्छे से अध्ययन कर लिया है और तैयारी आपकी बिल्कुल अच्छे से कन्फर्मेशन से है तो आपके लिए शिक्षक भर्ती वर्ग तीन में एक पद आपके लिए जरूर मिलेगा दोस्तों। तो तैयारी में जुट जाइए, 70% कन्फर्म हो गया है कि आचार संहिता खत्म होने के बाद आपकी शिक्षक भर्ती बिल्कुल होगी दोस्तों, ऐसा मेरा विश्वास है। और जिन लोगों का शिक्षक भर्ती वर्ग एक और वर्ग दो में हो जाएगा उनके लिए बिल्कुल बिल्कुल शुभकामनाएं भविष्य के लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना हो, अच्छा लगा हो तो आगे जरूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।